नमस्कार दोस्तों। तो कैसी है हमारी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आपके एक और नई फ्रेश और कमाल ब्लॉग में। मैं हूँ अभी दूध डेयरी पे, साथ में महेश भाई, अंदर में डूंगर भाई और हरीश भाई, यहाँ से ला रहे हैं भूसा। तो आज यहाँ पर भूसा वितरित हो रहा है, ये गाय के लिए पशु आहार है। तो सभी लोग यहाँ पर अपना अपना ले रहे हैं भूसा, हमने भी दो कट्टा यहाँ पे ले लिए, दो कट्टे ले लिए हमने। तो इसको संभाल जाते हैं, फिर धीरे धीरे घर पहुँचाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का खूबसूरत सा दिन, शुरू करते हैं आज का खूबसूरत सा ब्लॉग। चैनल में पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सामने महेश भाई भर रहे हैं दूध, यहाँ पे एक केन फिलअप हो चुकी है, ये वाली भी फिलअप हो चुकी है। तो आ चुका हूँ कसैले मार्केट में। मार्केट में सुबह के समय में हल्की दुल्की चहल पहल बनी हुई है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और हिंदू नववर्ष के हिसाब से नया साल आज से शुरू हो जाता है। तो आप सभी को नवरात्रों की और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। फ्रेंड अभी दोपहर का 1:30 बज रहा है, खाना वाना हम लोगों ने खा लिया और मेरे साथ है मनु, मेरी भतीजी कुर्सी। हेलो बर्थडे। तो ये आज स्कूल गई थी ना, ये स्कूल से आ गए हैं जल्दी, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं, जल्दी इनको छुट्टी होगी और रिजल्ट भी मिल गया इन लोगों को। तो स्कूल से आ गई है, कैसा रहा फिर बता। अच्छा रहा। आचार्य जी देखिए क्या कह रहे थे। आचार्य जी बोले थे, अच्छा मत कर, गंदी हरकतें मत कर। क्या कह रहे थे? अच्छा दिन है, मैं बोले थे। अच्छा दिन बोल रहे थे। अच्छा तो बच्चे लोग भी सब घर में एंजॉय कर रहे हैं। अभी हल्की हल्की गर्मी भी यहाँ पे हो रही है। तो हम लोग जाते हैं चकोटा की तरफ, बहुत दिनों बाद आज ढंग से कामों में अपने जा रहे हैं, क्योंकि आज इस बीच में बहुत बिजी हो गए थे, जा नहीं पा रहे थे। तो आज ढंग से जा रहे हैं वहाँ पे, आराम से आपको दिखाता हूँ क्या काम हमने वहाँ, क्या काम हमारा वहाँ पे हो रहा है। तो कॉलम खुदाई लगभग कम्प्लीट होने वाली है, तो वो आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। तो निकलते हैं यहाँ से चकोटा के लिए। सामने है कन्नो आ रहा है, कहाँ घूम रहा है कन्नो? कहीं तो घूम रहे हैं, अंदर क्यों नहीं बैठ रहे हो? चाचू के चप्पल पहन के ले रहे हैं ना? चाचू के चप्पल पहन के जा रहे हैं। ये हैं दोस्तों हम चकोटा की तरफ। मौसम भी हल्की हल्की गर्मी हो रही है, यहाँ जो गर्मी है वो भी एकदम नेचुरल महसूस हो रही है। जैसे शहरों में तो आधी गर्मी पॉल्यूशन का होता है, आधा जो माहौल बना रहता है पॉल्यूशन ट्रैफिक ये वो दिन भर का, तो शहरों में ये हाल रहता है, पहाड़ों में एकदम नेचुरल गर्मी महसूस हो रही है। तो घर से आ चुके हैं, खाना वाना खा लिया, अब सीधे जाते हैं चकोटा की तरफ को। तो फ्रेंड रोड पे पहुंचने वाले हैं, यहाँ पर है ये काफल का पेड़ और इस बार काफल बहुत हैं, पूरा पेड़ है काफल का, ये काफल बहुत हैं इस बार। पिछले दफे तो काफल थे नहीं, इस बार हैं। तो दोस्तों हम पहुंच जाते हैं कसैलिंग मार्केट में। अप्रैल का महीना है, ऑब्वियसली गर्मी तो होनी है ही, और पहाड़ों में तो फिर भी हवा चल रही है, थोड़ी बहुत फ्रेशनेस महसूस हो रही है, ठंडी हवा चल रही है। शहरों में क्या हाल है, शहरों में तो वैसे ही गर्मी अलग से, पॉल्यूशन अलग से, ट्रैफिक अलग से। तो अगर आप शहरों से हैं, शहरों तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, तो शहरों में बताइए कैसा हाल है। और सामने है सेलिंग मार्केट, वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। और देखिए नीचे रोड की तरफ देखिए क्या ग्रीनरी आ रही है, सभी पेड़ों में आजकल पत्तियाँ आई हुई हैं, और दूर दूर तक के नज़ारे देखिए। हल्की हल्की गर्मी तो है ही, क्योंकि अप्रैल का महीना है और गर्मियों के मौसम में गर्मी नहीं हुई तो फ़ायदा क्या गर्मी के मौसम का। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं चकोटा पे, और आज आपको काम दिखाता हूं। काफ़ी दिनों के बाद इस तरीके से इतना समय साइड पे दे पा रहा हूं, क्योंकि काफ़ी बिजी हो गया था इस बीच में। और ऑसम व्यू आ रहा है, देखिए दूर दूर तक व्यू देखने को मिल रहा है, लेकिन गर्मी भी है ही उतनी। और ये वाला जो घर जिसने बनाया है, घर के ओनर भी यहाँ पे आए हुए हैं, ऊपर रही उनकी गाड़ी। तो चलते हैं साइट पे नीचे और देखते हैं क्या काम हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि कॉलम आज खुद जाएंगे जहाँ तक। दोस्तों आ चुका हूँ नीचे साइट पर, और यहाँ पे कॉलम की खुदाई जारी है। बहुत हार्ड पत्ता रखा है, हार्ड रॉक लगी हुई है, तो उसको काटने के लिए आज हैमर का इस्तेमाल किया जा रहा है।
बाकी तो मैं सोच रहा था कि कल कॉलम रेडी हो जाएंगे, लेकिन पत्थर है, आज हैमर लाना पड़ा, फिर जाके काम आगे को होगा, क्योंकि मजबूत चट्टान लगी हुई है। और देखिए व्यू क्या नज़ारे आ रहे हैं, शाम का समय है, बेहतरीन व्यू, और पास वाले कॉटेज में भी फिनिशिंग चल रही है। दोस्तों अभी है शाम का समय और मेरे हाथ में है ये रस्सी, और भी कुछ सामान मैंने लेना है अभी कसैली मार्केट से, और उसके बाद जाना है सूफी काफिली पे। तो एक जगह कल सूफी काफिली गया था और एक जगह आज जा रहा हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं, सामान वहाँ पर पहुँचाते हैं, वहाँ पर भी काम चल रहा है, थोड़ा सामान उनको कम पड़ गया तो मार्केट से लेते हैं। ये रस्सी भी ले ली और कुछ सामान है जो कसैली से लेना है, तो उसके बाद सीधे निकलते हैं सूफी काफिली पे। ये अलग सूफी काफिली है, तो चलिए चलते हैं और दिखाऊंगा आपको बेहतरीन न्यूज़ और कैसा गांव है वहाँ का। तो चलिए चलते हैं। ये रही पास में मेरी बाइक, यहीं पर खड़ी है, तो बाइक से निकलते हैं। फ्रेंड कसैली मार्केट पहुँच गया हूँ और अभी शॉप में हूँ, लक्ष्मी ट्रेडर्स। कसैली मार्केट में हार्डवेयर की शॉप है, अंदर चलते हैं अब। तो अंदर हैं हिमांशु भाई, जिनसे हमें सामान लेना है इस दुकान से, तो उसके बाद निकलेंगे। काफ़ी कसैली में मेन मार्केट पे दुकान पड़ती है, अगर आपको हार्डवेयर से संबंधित कोई भी सामान चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, जो कि उचित दाम पे और बढ़िया सामान ये देते हैं। तो हीरा भाई से बोल देते हैं, वो हीरा भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो हिमांशु भाई हैं, ये हमारे गाँव के हैं, तो ज़रूर आप भी यहाँ पर आइए, अगर आपको भी हार्डवेयर संबंधित कोई सामान चाहिए तो सारा सामान यहाँ पर अवेलेबल रहता है इनकी शॉप पर। तो यहाँ से सामान अपना लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे सीधे काफिली। कसैली मार्केट से आ गया और जो ये अभी रोड पे हूँ मैं, ये है भालूगाड़ वाटरफॉल रोड, जो सीधे आगे को जाएगी, बोर्ड भी लगा हुआ है, देखिए सीधे जो नीचे को जा रही है वो है भालूगाड़ वाटरफॉल को और हल्द्वानी को रोड, और जो यहाँ पे टर्न हो रहा है वो है काफिली गांव। तो हमें जाना है इस काफिली गांव पे, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर आगे है, तो चलते हैं सीधे। और सामने जो पहाड़ पे आपको घर दिखाई दे रहा है, इस तरफ को है चकोटा, जहाँ से हम अभी आए। दोस्तों बस मैं पहुंचने वाला हूं, सामने की तरफ मैंने जाना है, और ये पूरा एरिया है सूफी गांव। एक जो कल गांव था उस तरफ को भी सूफी गांव आता है और इस तरफ को भी आता है, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है सूफी गांव। तो वहां पहुंचते हैं और वहां से इस तरफ का व्यू दिखाऊंगा आपको, काफ़ी औसम व्यू देखने को मिलता है। और भालूगाड़ वाटरफॉल नदी जो है, भालूगाड़ वाटरफॉल, तो यहीं से उसकी नदी यहाँ से बहती है, और ऊपर टॉप में है हमारा घर। तो चलते हैं दोस्तों वहाँ पर, और ये जो सामान लेके आ रहा हूँ इसको सौंप के आप। दोस्तों गाड़ी मैंने नीचे रोड पे लगा दी है, आप देख रहे होंगे, और यहाँ ऊपर पे चल रहा है काम, पुराना वर्क है जो फिनिशिंग की तरफ चल रहा है अभी। और यहाँ से व्यू देखिए, ये भी सूफी काफिली गांव है जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, और व्यू देखिए चारों तरफ के, जो सामने वाला पहाड़ है इसके दूसरी तरफ है कसैली, जो कि व्यू ढक रहा है क्योंकि काफ़ी हाइट पर है, देखिए। और सामने धानाचूली का व्यू दिख रहा है, और नीचे सरना पदमपुरी का व्यू दिख रहा है, और आसपास गांव का प्यारा माहौल, शांत माहौल, बहुत बड़ा गांव है ये वाला सूफी का। तो चलिए चलते हैं ऊपर, ये सामान इनको दे के आते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है नया बिल्डिंग वर्क, जिस पे पुराना ही काम था और अभी फिनिशिंग हो रही है, प्लास्टर वगैरह ये चीज़ें हो। तो दोस्तों पहुँच गया मैं वहाँ पर, और इस बिल्डिंग पर चल रहा है अभी प्लास्टर वर्क, स्ट्रक्चर पहले ही खड़ा हो गया है, अब जो हो रही है धीरे धीरे इस पर होगी फिनिशिंग। कसैली से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के बीच में यह एरिया पड़ती है, सूफी काफिली गांव का नाम, और यहां पे इनको सामान देते हैं फिर निकलेंगे ऐसे कसैली की ओर। तो फ्रेंड यहां से निकलने का समय आ चुका है, अब निकलते हैं यहां से, सारा सामान इनको दे दिया है, फिर से जाएंगे चकोटा पे, और बाइक भी वहीं खड़ी करनी है, तो चलते हैं यहां से। और ये देखिए नज़ारे शाम के समय में, जहाँ पर मैं अभी हूँ वहाँ पर तो धूप चली गई है, सामने की तरफ धूप है, धीरे धीरे गहराई से ऊपर की तरफ धूप उठते जा रही है, और थोड़ी देर में हो जाएगा सनसेट। और यहीं पे है आपका निर्वाणा कॉटेज, जो ऊपर घर दिख रहे हैं यहाँ पर बीच में, यहीं पर है निर्वाणा ऑर्गेनिक कॉटेज। तो चलते हैं यहाँ से कसैली की तरफ। तो दोस्तों फिर से पहुंच चुका हूं कसैली का, और जो सुबह हमने भूसा उठाया था दूध डेयरी से, अभी वो ले जाने का समय आ चुका है, अभी ले जाते हैं घर को। और इसी दुकान में रखा था लक्ष्मी ट्रेडर, ये रहा सामने में भूसा, हरीश भाई ने तो एक उठा लिया, एक मैं उठाता हूं, अब चलते हैं सीधे घर को, शाम का समय हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों घर पर पहुँचने वाले हैं, करीब 15 मिनट से सर पर भूसा लेके हम चल रहे हैं, घर के पास में पहुँच गए हैं, और सनसेट के बाद जो मौसम हो रखा है काफ़ी मस्त हो रखा है, क्योंकि आजकल गर्मियों में मौसम में मज़ा आता है सनसेट के बाद पहाड़ों में। तो वो पहुंचने वाले हैं, फिर आपको दिखाता हूँ व्यू।
तो फाइनली दोस्तों घर पे पहुंच चुके हैं, अभी कर रहा हूं आराम। और देखिए पहाड़ियों पे क्या मस्त व्यू देखने को मिल रहा है, क्योंकि सनसेट हो चुका है और बढ़िया एकदम शांति वाला व्यू और हल्का हल्का ठंडा। दिन में थोड़ी धूप रहती है, गर्मी रहती है, और शाम को जब सनसेट हो जाता है उसके बाद, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं पहाड़ों में, तो काफ़ी ठंडी हवा बह रही है और इस तरफ को हुआ था सनसेट। और फाइनली दोस्तों शाम का समय है और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है पहाड़ों पे, और लोगों ने अपने घरों की लाइट जलानी भी शुरू कर दी है। और पहाड़ियों के टॉप में अभी भी सनसेट जो हुआ है उसका चमक अभी भी दिख रही है, देखिए। तो ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।